मौजूद हैं, उनकी तो इंट्रोडक्शन ने जो है श्वेता ने बहुत अच्छी कर दी है, और आपको हमारे सेशन का नाम भी पता है, नेटफ्लिक्स मेरी जान, क्योंकि ये तीनों मुंबई से आते हैं तो हमने सोचा थोड़ा मुंबई या स्टाइल में, है ना, ये है मुंबई मेरी जान। तो हम दिल्ली वाले वैसे ही आपको पता है थोड़े बड़े दिल के हैं, तो हमने कहा उसी से जुड़ा नाम हम इनको दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों से आपने इनका स्वागत किया। ये सेशन में हम दो तीन जो सीरीज है फिलहाल नेटफ्लिक्स में चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। नेटफ्लिक्स की सोच कैसे होती है, कैसे वो कंटेंट चुनते हैं, आप में से कई बडिंग राइटर्स भी शायद हो सकते हैं तो आपके लिए बड़ी सीख होगी। लेकिन शुरुआत में मैं बस ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओटीटी में नेटफ्लिक्स क्या है, आप मेरी राय पूछे तो जैसे अगर आप टूथपेस्ट कोई भी इस्तेमाल करें उसको लोग कोलगेट ही कहेंगे, आप मक्खन कोई भी खाएं लोग उसको अमूल ही कहते हैं, आप इंस्टेंट नूडल भी कुछ खाएंगे लोग उसको मैगी ही कहेंगे, और स्कूटर आपके पास कोई भी हो वो बजाज का ही होता है। तो आई थिंक जो ओटीटी में, अगर कोई आप ओटीटी के बारे में बात करते हो तो सबसे पहली चीज आपके जहन में आती है वो है नेटफ्लिक्स। तो मेरा पहला सवाल तानिया आपसे ही है कि जब हम बोलते हैं नेटफ्लिक्स कंटेंट, क्या होता है नेटफ्लिक्स कंटेंट? कुछ अलग होता है, कंटेंट तो हर जगह मिलता है, सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, पर नेटफ्लिक्स कंटेंट क्या है, कोई है डेफिनेशन है इसकी? सबसे पहले तो थैंक यू, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें आपने बताई हमारे बारे में, इट्स रियली नाइस टू हियर दिस। अच्छा आपको पता है क्यों बताई है? अच्छा ये चीज मैंने इनसे बात नहीं की, इनको पता नहीं है। आप कभी मेरे से मिली, आप इससे पहले याद है आपको? नहीं नहीं तो हम मिले हैं, मिले हाँ हम मिले हैं, ये चीज मैं इनसे आधा घंटा पहले बैठा था, हमने बात नहीं की, हम मिले हैं, मैंने इनको एक बार पिच भी किया था और इन्होंने वो पिच को एक्सेप्ट नहीं किया, वो तो कई बार होते हैं, तो मैंने सोचा इस बार क्या करता हूँ, अमूल मक्खन का भी मैंने जिक्र किया है तो मैंने वो पहले ही थोड़ा सा मक्खन लगा दिया। अब बताएं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थैंक यू एंड आई एम सॉरी फॉर दिस एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लवली टू यू नो टॉक अबाउट आवर शोज एंड ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, सो थैंक यू टू चांदनी एंड एवरीबॉडी हु इज इनवाइटेड अस आज तक। व्हाट इज नेटफ्लिक्स कंटेंट? आई थिंक द मोस्ट अनफॉरगेटेबल अनमिसेबल स्टोरीज फ्रॉम द बेस्ट क्रिएटर्स इन द कंट्री, द स्टोरीज जो आपके साथ में रह जाएं, जिनके बारे में आप सोचें, जिनको आप फिर से देखना चाहें शायद, या उसके बारे में बात करें, आई थिंक दैट इज नेटफ्लिक्स कॉन्टेंट। मस्ट वॉच, अनफॉरगेटेबल, ट्रेंड सेटिंग, इसके बारे में मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ, तो आई विल स्टॉप नाउ। नहीं देखिए, तानिया के लिए बड़ा आसान है ये सवाल, पेचीदा है फॉर करण एंड समीर, क्योंकि अब मैं उनसे वही सवाल पूछूंगा। आप ये क्रिएटर्स हैं, ये बड़े सारे प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग चीज बनाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स कंटेंट है, थोड़ा सा वो लगता है यार मेरी सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है या मेरी पिक्चर नेटफ्लिक्स पे आई है, सच्ची से आप जवाब दीजिएगा। चलिए समीर आप पहले, फिर कर। जी एक्चुअली जब आपकी सीरीज, आपकी फिल्म नेटफ्लिक्स पे आती है तो यू फील काइंड ऑफ ऑनर्ड, बिकॉज नेटफ्लिक्स इज द विराट कोहली ऑफ रिलीज, नो एंड आपको पता है कि नेटफ्लिक्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन अब्रॉड, नो इट्स ह्यूजली अप्रिशिएटेड, वाइडली एक्लेम्ड, एंड यू नो कि जब आप कहानी जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत लोग देखने वाले हैं दुनिया भर में, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है नो, कि आप कुछ भी नहीं बना सकते नेटफ्लिक्स के लिए और वो कुछ भी बनाने भी नहीं देंगे, बट आई थिंक उस प्रेशर से आपको ही एज स्टोरी टेलर एक अच्छी कहानी कहने का प्रोत्साहन मिलता है, नो यू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू टेल अ गुड स्टोरी एंड यू ऑब्वियसली एज आई सेड फील ऑनर्ड दैट यू आर एसोसिएटिंग विद नेटफ्लिक्स। ये प्रोमो लाइन में जा सकता है कि नेटफ्लिक्स इज द विराट कोहली ऑफ इट। आई कंप्लीटली एग्री, मैंने इनको जब हम लोग काला पानी लॉन्च कर रहे थे मैंने इनको बोला था दे आर द ओजीज ऑफ डिजिटल सिनेमा, सो ही इज रिटर्निंग द फेवर। कारण देखिए, नेटफ्लिक्स तो दुनिया की सबसे पहली ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सो दैट्स व्हाई इट इज सिनोनिमस विद द वर्ड ओटीटी, एंड इवन दो इन इंडिया इट वाजंट द फर्स्ट वन टू लॉन्च, इट हैज आई थिंक व्हाट नेटफ्लिक्स डज इज इट्स अ ट्रेंड सेटर एंड दैट्स यू नो इट डजंट ट्राई टू नेसेसरली फॉलो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं,
क्या है यहाँ ट्रेंड, हमें भी वो करना चाहिए. नेटफ्लिक्स अपने हिसाब से चल रही है एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग फॉर पीपल लाइक अस टू वर्क विद देम, बिकॉज उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, उन्हें ट्राई करनी है नई चीजें, नए जॉनर्स, और वो दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर क्रिएटर्स लाइक मी. आशुतोष गोवारिकर का रिटर्न एज एन एक्टर, वो कैसे हुआ? वो एक्चुअली उसका आइडिया, मतलब वो कैरेक्टर लिखा था हमने, तो उसका आइडिया जो हमारे कास्टिंग एजेंट हैं वैभव विशान, उन्होंने उनका नाम थ्रो किया एंड उनका नाम सुनते हमको लगा कि जो कैरेक्टर था उसमें वो वैसा लगना चाहिए था कि विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग आपको लगे उनको देख के कि हाँ ये संभाल लेंगे, इन पे भरोसा कर सकते हैं, ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशन से निकाल लेंगे. एंड व्हेन वी मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो मतलब वो उस मीटिंग में ही हमको क्लियर हो गया था कि नहीं, ही इज द गाय, नो ही इज द राइट पर्सन, एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट ही एब्सोल्युटली लव्ड द स्क्रिप्ट, ही हैड लव्ड आवर प्रीवियस वर्क आल्सो, एंड दैट्स हाउ वी गॉट हिम ऑन बोर्ड. हमारी फैमिली पहली मेमोरी आशुतोष गोवारिकर की, वो अपने कवियां कवीना नो वाली फिल्म और उनकी एक्टिंग वाली है, बिफोर ही मेड ऑल दिस लेजेंडरी फिल्म. तो एक्टर तो उनका इम्प्रिंट था पहले से, वो कहीं पैसे पीछे छूट गया था, वी जस्ट ब्रॉट दैट. इसलिए मैंने कहा ये ओटीटी की एक चीज खासियत है कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो हमें दोबारा देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ओटीटी इतना काम है. करण आपके पास आऊंगा. रे डोनोवन पे आधारित है, हम सबको पता है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राणा नायडू को बनाने में आपको क्या चेंजेस लाने पड़े? जब मैंने पहली बार रे डोनोवन देखी थी तो उसमें काफी इट वॉज अ गुड स्टोरी, लेकिन आई थिंक जो कहानी है वो है आधारित एक्चुअली एक परिवार पर, एंड वो इट्स और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली इज मच बिगर देन इन एन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, और एंड हम उसको काफी वी कुड डीपली एक्सप्लॉइट द रिलेशनशिप्स इन अ मच मोर इंटरेस्टिंग मैनर. और यहाँ पर अगर यू नो जैसे रीति रिवाज जो होती है अपनी यू नो एक लाइक इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स, टू टेक दैट टू एन एक्सट्रीम लेवल जहाँ एक बेटा अपने बाप को मारना चाहता है एसेंशियली, असैसिनेट करना चाहता है, यू नो, एंड टू स्टिल हैव द फैमिली डायनामिक्स प्ले आउट, एंड ही हिमसेल्फ इज अ फादर and the his kids love their dada, so it was very fun to see how far we could take that dynamic essentially, so that's what excited me about it. Uske upar jo action hai, jo thrills hai, wo to hai, but again it's really about the core of the family that was very exciting. Action thrill ke bare mein baat ki, ek aur cheez hai jo badi charcha mein hai series ke bare mein. तानिया ने मुझसे कहा था उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि लैंग्वेज वहां पर क्या इस्तेमाल हुई है, सीन्स क्या इस्तेमाल हुए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये सीरीज फिर एक तरह से सबके लिए रिमाइंडर है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप पहले जमाने में क्या होता था, एक्शन चीजें होती थी, सिर्फ आप एक्शन डाल दें बाकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी. अब वापस स्टोरी पे फोकस आ रहा है कि भाई आपको स्टोरी भी चाहिए, क्योंकि एक और चीज जो इसकी तारीफ हो रही है वो कहानी बहुत अच्छी है. सो एट द कोर आप बाकी चीजें कुछ भी ऐड कर ले लोगों को अट्रैक्ट करने में, चाहे वो लैंग्वेज हो, कई बार लोगों को अट्रैक्ट करती है वल्गर लैंग्वेज अगर इस्तेमाल की जाती है. बहुत लोग आपके मिर्जापुर के फैंस हैं, मैं देख रहा था यहाँ पे स्टेज में जो शो हो रहा था. उसके अलावा जब एक्शन होता था तो सीक्वेंसेस ही लोग अट्रैक्ट करते थे, लार्जर देन लाइफ दिखता था, लेकिन कोर ऑफ इट हैज टू बी द स्टोरी, ये रीइन्फोर्स करती है ये सीरीज. बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ओनली अबाउट दैट. नाउ इफ आई टेक द लैंग्वेज आउट, इट्स नॉट, आई डोंट थिंक कि कम लोग देखने लगेंगे इसे या वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी. इट्स नॉट दैट एट ऑल. आई मीन एंड इट्स नॉट लाइक हमने एक ऐसा किरदार लिखा कि जो ऐसे बात करता है अपने बेटे से और बेटा अपने बाप से इस लैंग्वेज में, वो हमें वी डोंट गेट टू सी दैट इन द ओपन अ लॉट. बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है हमारे सोसाइटी में, वो भी होता है. एंड आई वांटेड टू जस्ट हाईलाइट दोज एबरेशंस, द डिसफंक्शंस ऑफ द इंडियन फैमिली. एंड इन दिस केस तो ये फैमिली आ रही है तेलंगाना से, हैदराबाद से, 15 साल पहले मुंबई आई है, एंड देयर एनीवे अ फिश आउट ऑफ वाटर.
And on top of that, they just have this crazy equation. So there's that part of it. Action is something that was, now again, his job is to fix. Sort karna hai celebrities ka problem, ya kahin koi murda saaf karna hai kisi ka, you know, or just take them out of sticky situations. Or obviously it's far more interesting to see that with action. Nahi to ek phone call karke kisi ko bula liya to usme kya hai kahani. Dekhiye, mujhe lagta hai, just adding to what Karan is saying, ki jab aapka show itna bada hit hota hai like Rana Naidu aur Mirzapur, to wo sirf language ke base pe nahi ho sakta hai. Ye misconception hai. गलत फहमी हाँ, ये गलत फहमी है, करेक्ट. नो, वो वही किरदारों पे, वही कहानियों के बेस पे ही बड़ा होगा शो. और आई थिंक कुछ कहानियों में किस एक तरीके की भाषा का फ्लेवर होना शायद ऐड करता है. इट डजंट अप्लाई टू एवरी स्टोरी, बट आई थिंक देन देयर आर सम स्टोरीज जिसमें शायद वो चीज रहती है, तो शायद इट जस्ट एड्स टू द स्टोरी एज वेल. आपने ट्रेंड के बारे में बात की, क्योंकि मैं राणा नायडू की बात कर रहा हूँ. आप करण हैरान है, कुछ वर्ड्स वो टिपिकल जो लिंगो यूज होती है, बैगन की बाता, हाँ, और क्या इज्जत का फालूदा. हाउ देव कॉट अप, इज इट कॉट यू बाय सरप्राइज? बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं. सोचा था आपने कि ये वो वर्ड्स होंगे जो कैच कर लेंगे? हाँ, मतलब आजकल तो कोई भी सक्सेसफुल सीरीज, पीपल पिक अप थिंग्स. जो मीम कल्चर जो अभी स्टार्ट हो गया है, तो आई डोंट, यू नो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय एनी ऑफ दिस, टू बी ऑनेस्ट. And really, like, I mean, the whole crew had one t-shirt with one bengan on it, you know. So, we were hoping something like this would catch up. He's not surprised at all. Bahut hi carefully planted, you know, ye thoughts hai. He's... You know what I do? I'll tell you one secret. In my first 5 minutes of anything I do, I make it the worst of what you're going to see. So, agar aap family ke saath baithe ho, TV ke saamne, matlab bachche, you know... तो आप वो चीज लिखोगे, देखते ही मैं खड़े होकर चला जाऊंगा. हाँ, अभी सबको फिर अकेले फोन पे देखना है, तीनों चारों लोग को, तो इनको चार हिट मिले एक के वजह. नहीं, हम वी बिलीव इन द फैमिली वॉचिंग टुगेदर. अच्छा, मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ. कई चीज तो क्रिएटिव प्रोसेस है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई वो उस एरिया का है तो वो वर्ड आएंगे, नेचुरल है जो लिंगो में यूज होगा, वो तो स्टोरी के साथ जा रहे. स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि समीर भी बहुत स्मॉल टाउन बेस्ड शोज बनाते हैं, फ्रॉम अ नेटफ्लिक्स पर्सपेक्टिव, क्या ये सोच आती है कि यार देखिए मेट्रो की तो ऑडियंस को हम सैचुरेट कर चुके हैं, वो तो देखती है ओटीटी, हमें थोड़ा स्प्रेड करना है, लेट्स गो टू स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन स्टोरी दिखाओगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प अस स्ट्रेटेजिकली, ये सोच होती है? हाँ, लाइक आई वाज सेइंग, हम बहुत ही ऑडियंस फोकस्ड है. कौन देख रहा है, हु इज आवर टारगेट ऑडियंस, यू नो, वी हैव दोज मेजर्स क्लियर. Are we looking at ke sirf small town ya sirf metro? I think that's what the joy of this medium is, ke you don't have to be itna restricted ke sirf, you know, ye sabke liye ho, har ek show sabke liye ho. I think the idea is ke agar Kala Pani thoda massy show hai of one type, it is a show that makes you think, it's a show that makes you feel. Rana Naidu is also a very broad show, very massy show, it has action. You know, the stuff that people go theaters mein jaate hain hum ye sab cheezein dekhne ke liye. To or if you look at Kohra is 70% in Punjabi, you know. To is it only, will only Punjab watch it? Nahi, sabne dekha hai, sabne enjoy kiya, ya sirf north ne dekha hai, aisa nahi hai. I think hamara endeavor hai to really create mainstream stories which are audience first, but we select stories you know, that have a certain freshness, that jisme hum kuch naya content trend set kar sake, jisme hum kuch surprise pack in kar sake, either in the story itself ya fir jis tarike se wo story nibhai ja rahi hai. And you know, I think these very small embellishments like language etc, wo to ek last stage hai, dialogue mein aata hai wo, uske pehle to kahani hai na, sirf dialogue ya certain words ke sath कहानी नहीं बोली जा सकती या लोग नहीं बैठेंगे उसके लिए. लाइक समीर वाज सेइंग, इट इज रियली कि आप क्या बना रहे हो, आपका, आप किसके लिए हमें बुला रहे हो देखने के लिए, हमें क्यों देख रहा, एवरी मिनट काउंट्स. द फर्स्ट 5 to 10 minutes ऑफ अ शो आर सो क्रूशल कि लोग देख रहे हैं कि हाँ मुझे ये देखना भी है कि नहीं देखना है. तो उसमें हाउ डीपली, लाइक हाउ क्लियर आर वी
कि हम कौन सी स्टोरी के लिए इनवाइट कर रहे हैं लोगों के लिए. सो इट्स अ वेरी केयरफुली थॉट आउट प्रोसेस ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी चूज टू कमीशन, द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी डिवेलप. हाउ डू वी इवन डिवेलप हमारे सीजन टूज, हम अगर एक सक्सेसफुल शो का सीजन टू कैसे, हाउ डू वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस.